मित्रों, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आकर के खड़ी हो जाती हैं कि हमारे अपने ही लोग हमारा अपमान करने लगते हैं, या फिर हम जहां नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जो बॉस है या हमारा मालिक है वो हमें किसी न किसी चीज़ को लेकर के बार बार अपमानित करने लगता है, या अन्यत्र ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर देता है जिससे हमें कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो इसके लिए आज हम एक आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप यह उपाय करेंगे तो 100% आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, कई बार पिता पुत्र में नहीं बनती है, या तो पिता पुत्र के लिए अपमानित करने की स्थिति में रहता है, या पुत्र जो है वो पिता को अपमानित कर देता है। पति पत्नी में प्राय देखा जाता है एक दूसरे को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। भाई बहन में भी स्थिति चलती है, या आप कहीं कार्यरत हैं तो आपका जो मालिक है वो आपको 10 आदमियों के सामने अपमानित कर देता है, या आपका जो बॉस है वो आपको बुला करके कुछ लोगों के सामने आपको अपमानित कर देता है, तो आपको बड़ा उस समय अच्छा नहीं लगता है। ऐसी स्थिति यदि आती है, कोई व्यक्ति आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया है, तो फिर एक छोटा सा उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें किसी दिन का कोई भी बंधन नहीं है, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्रातःकालीन स्नान आदि करने के पश्चात में आप पूजा स्थली पर बैठ जाएं, एक घी का दीपक जला लें और एक सादा छोटा सा कोरा कागज ले लें और उसमें उस व्यक्ति का नाम लिख दें। जैसे उसका नाम रमेश कुमार है, महेश कुमार है, या जो भी है उसका जो भी नाम है वो उसमें नाम लिख दें। नाम लिखने के पश्चात में उसको उसके आपके उसको सामने पूजा स्थली के सामने उसको रख दें और उसके पश्चात में एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें। एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने के पश्चात में एक दीपक में, मिट्टी का जो दीपक है जो अपन दीपावली पे यूज़ करते हैं, उस मिट्टी के दीपक में 2 कपूर की टिकिया रखें और 2 कपूर की टिकिया रख करके उस कागज़ को जला दें और माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि यह व्यक्ति हमें अपमानित करना बंद कर दे या हमारा पीछा छोड़ दे। जो भी आपकी समस्या है वो आप उसमें लिख दें और उसको जला दें। यह क्रिया आप कुछ दिन तक लगातार करें, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको धीरे धीरे परेशान करना बंद कर रहा है व आपके प्रति उसका स्नेह बढ़ता चला जाएगा। और जब आपको ऐसा अनुभव होने लगे कि अब वो स्थितियाँ समाप्त होती चली जा रही हैं, हमारा अब उनसे तालमेल अच्छा बनने लगा है, तो फिर इस उपाय को आप बंद कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को कुछ दिन आप लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों, की छोटे छोटे जो हम वीडियो डालते हैं उपाय के, वो निश्चित रूप से आपको पसंद आते होंगे। और वो उपाय यदि करने के पश्चात आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ होता है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि दूसरे लोग भी उस चीज़ का लाभ ले सकें कि इन व्यक्ति को लाभ हुआ है तो हमें भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो उसमें आप थोड़ी सी कंजूसी ना किया करें, ज़रूर उनको लोगों तक शेयर किया करें। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमें देते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।